धार्मिक उत्पाद करने वालों को लेकर एक्शन में नजर आ रही है योगी सरकार। ईद से पहले योगी सरकार एक्शन में है और 72 घंटों में 11,000 लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। बरेली जोन से 1,070, कानपुर से 1,056, प्रयागराज से 1,172, मेरठ से 1,204, वाराणसी से 1,366, गोरखपुर से 1,788, लखनऊ से 2,395। पिछले 72 घंटों में योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से 10,923 अवैध लाउडस्पीकर हटवा दिए हैं और धार्मिक परिसर में लगे 35,221 लाउडस्पीकर्स की आवाज की क्षमता यानी कि डिजिबल रेंज को कम करवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लगे लाउडस्पीकरों को उतरवाने के साथ ही निर्धारित मानक के अनुरूप उनकी आवाज धीमी करने की कार्रवाई को तेज कर दिया है। और फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, पुलिस ने अब तक प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 10,923 लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार धर्म के नाम पर होने वाले उत्पात को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में साफ कर चुके हैं कि दंगा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास बात यह भी है कि उनकी ये कार्रवाई किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी समुदायों के लिए की गई है, जिससे प्रदेश में शांति कायम रखने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।